अब इस समय खड़े हैं फरीदाबाद के पनेड़ा गांव के समीप, जहां पर कि एक आज युवक की दर्दनाक मौत हो गई, सड़क हादसे में मौत हुई है। और बेलगाम जिस तरीके से वाहन इस रोड पर चलते हैं, पहले भी आपको बता दें कि एक 13 वर्षीय बच्चे की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई थी इन ट्रैक्टर चालकों के कारण। आज फिर एक बार से दोबारा हादसा हुआ है। आपको पहले मैं सारा दिखा देता हूँ कि देखिए एक ग्रामीण यहाँ पे खड़े हुए हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने अपने परिवार का एक बेटा खोया है, परिवार का एक जो है वो शव जो फिलहाल उनका जो मृतक है उसका शव यहाँ पे रखा हुआ है। सामने जो है वो उनके परिजन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाकायदा जो है वो आप देख सकते हैं कि बुरे तरीके से जो है वो बेलगाम गाड़ियों ने इनको जो है वो रौंद दिया। क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है संदीप जी, क्या क्या मामला था पूरा थोड़ा बताइए। देखिए हफ्ते भर पहले भी यहाँ पे एक डेथ हो गई थी और वो भी ओवरलोड ट्रैक्टर कारण हुआ, प्रशासन लापरवाह होने के कारण आज ये दूसरा हादसा हुआ है ट्रैक्टर से। ये यहाँ पर भट्टों के ट्रैक्टर इतने ओवरलोड होकर चलते हैं, बेपरवाह लापरवाह। एक घर का चिराग पहले बुझ गया, आज एक घर का चिराग और बुझ गया है। इस बेचारे पे 6 बेटी हैं, इसका घर बंद हो गया। लोगों में बहुत आक्रोश है। चार घंटा है के प्रशासन कहाँ, बीवी है चौधार है, दो एक बालक पहले मर गए, एक अब मर गए और मर बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जो है वो भीड़ गुस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं हालात किस तरीके के हैं। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है और इसी पर वो सवार होकर के जो है वो युवक जा रहा था। और ये देखिए कितने बुरे तरीके से जो है वो इन बेलगाम जो ट्रैक्टर चालक हैं, वाहन थे, गाड़ी कौन सी थी कुछ गाड़ी का पता लगा, कौन सी गाड़ी थी भैया? ट्रैक्टर था बड़ा ट्रैक्टर, ईंटों वाला जो था। हाँ ईंटों वाला ट्रैक्टर था, हाँ जिससे एक्सीडेंट हुआ वो ट्रैक्टर था, ईंटों वाला, किसी भट्टे का ट्रैक्टर है वो। हाँ इसी में आस पास में शिकायत दी थी, उसके बावजूद भी प्रशासन, अभी एक हफ्ते पहले हुआ है जी एक्सीडेंट, पहले प्रशासन से 10 दिन पहले भी गुजारिश की थी, अपील की थी, थाना छैंसा SHO अपने जो है सुखवीर जी, उनके कहने से हमने 10 दिन पहले ही, एक 12 साल का हमारा मासूम बच्चा था, घर का अकेला चिराग था, वो भी चिराग बुझ चुका था, प्रशासन के कहने से हमने डेड बॉडी हटाई वहाँ से। लेकिन उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही पेट्रोल पंप पे फिर ट्रैक्टर से एक हादसा हुआ, गाड़ी उसमें क्षतिग्रस्त हुई थी, गाड़ी अभी भी पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई है। ये ट्रैक्टर जो है यहाँ से इतने बेलगाम चलते हैं, किसी ट्रैक्टर पे कोई नंबर नहीं है, किसी ट्रैक्टर का मतलब जो है जो चालक होते हैं वो 18+ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये 18+ नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, यहाँ से बेलगाम चलते हैं दिन रात। और अभी तकरीबन 15 दिन पहले की यहीं जहाँ भी ये मौका वारदात में हम खड़े हैं, यहाँ से 20 मीटर आगे एक गाड़ी वाले की टक्कर हुई थी, वो बेचारा गाड़ी वाला खेत में उसकी गाड़ी पड़ी थी, वो जैसे जैसे अपना जान बचा करके उस गाड़ी से निकला था। यहाँ अब प्रशासन वही पहले वाली गलती कर रहा है कि आश्वासन दे रहा है, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, एक तो इस बच्चे की कुछ आर्थिक मतलब जो है कुछ सहायता हो, एक हमें रिटर्न में चाहिए कि यहाँ से कोई ट्रैक्टर ओवरलोडिंग नहीं चलेंगे। एक सरकारी मैं बता रहा हूँ, इस बच्चे पे मतलब जो बंदा गया है, इसके 6 बच्चे इसके हैं, 2 बच्चे 2-6 लड़की हैं जी, और 2 बच्चे क्या नाम इसके बड़े भाई के हैं, उस वो भी नहीं है, उसी का नाम सारा भरण पोषण ये कर रहा है। अब ये लगा लो जी कोई भी नहीं है इस बेचारे का, दिन में ट्रांसपोर्ट में जॉब कर रहा है बेचारा, 8 बच्चियों को पाल रहा है, दोनों अपने परिवार चला रहा है, अकेला बंदा था, आज वो चिराग भी बुझ चुका है, इसकी बच्चियों का क्या होगा, इसके भाई की बच्चियां हैं उनका भी क्या होगा। कहीं ना कहीं देखिए एक काफी दुखदायी घटना है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिसके इसके परिवार को कहीं ना कहीं कोई आर्थिक मदद मिल सके, सहारा मिल सके, क्योंकि एक कमाई का एक साधन जो है वो कह सकते हैं। ये एक युवक था जो कि अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बेलगाम जिस तरीके से लगातार वाहन इस सड़क पर दौड़ते हैं, इसको लेकर के लगातार ये लोग पहले भी प्रशासन को या स्थानीय पुलिस को जो है वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाह अधिकारी या फिर लापरवाह कहेंगे कि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम इन लोगों के खिलाफ नहीं उठाया गया जो कि बेपरवाह तरीके से सड़क पर वाहन दौड़ाते हैं, जिसके चलते जो है लोगों की अक्सर इस तरीके से हादसों में मौत हो जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस में जो है वो प्रशासन कितना कोई सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कर पाता है और इस पीड़ित परिवार को जो है वो क्या कुछ आश्वासन और क्या कुछ सहारा जो है वो मिल पाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।